हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ आई है वो आई है 10 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको भी मर्ज करने की बात वो आई है। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उनके द्वारा अभी एक स्टेटमेंट या आप बोल सकते हो घोषणा की गई है कि भाई 10 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको मर्ज करके 4 बैंक है वो बनाए जाएंगे। देखो, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। 2017 में हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी जो गवर्नमेंट बैंक थे उनकी संख्या थी लगभग 27, और अब अगर इन 10 बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा तो हमारी जो संख्या है वो बचेगी 12। मतलब 12 बैंक हैं वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर के बचेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भी बैंकों को मर्ज करने की क्या जरूरत है, क्यों गवर्नमेंट है वो बैंकों को मर्ज कर रही है। देखो, अगर बैंक अलग अलग होते हैं ना तो क्या मतलब, ये मान लो कि तीन चार कितने बैंक हैं, जैसे कि अभी टोटल 22 बैंक हैं, तो अगर ये 22 बैंकों को अलग रखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट वो बहुत हो जाती है। क्योंकि कुछ पैसा तो बैंकों को आपको पता है कि CRR में रखना पड़ता है, कुछ SLR में रखना पड़ता है। इसी के साथ ही और भी तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ प्रमोशन के भी पैसे अलग से लगते हैं, जैसे कि बैंक को अपने प्रमोशन करना हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी हो, तो ऐसे काफ़ी सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वहीं दूसरी बात है कि अगर बैंक अलग अलग हैं, जैसे मान लो कि 22 बैंक हैं और हर बैंक के पास मान लो कि 1-1 लाख करोड़ रुपए हैं, सिर्फ मान रहे हैं, खैर पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये मान लो कि हर बैंक के पास 1-1 लाख करोड़ है। आप ये सोच के देखो कि अगर 1 लाख करोड़ है इस बैंक के पास तो ये मैक्सिमम लोन 1 लाख करोड़ का तो दे भी नहीं सकता अगर किसी पर्सन को या किसी भी संस्था को जरूरी हो तो। अगर वहीं इन सारे बैंकों को मर्ज कर दिया जाए, जितने भी बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, तो होगा क्या कि एक बहुत बड़ी असेट्स या आप बोल सकते हो कि बैंक की जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ये मान लो कि बैंक की जो टोटल कैपेसिटी है, जो अमाउंट है बैंक के पास, जितने भी पैसे हैं वो मान लो कि हो गए 50 लाख करोड़ रुपए, इतने कुछ हो गए। अब ऑब्वियसली बैंक है वो अच्छा खासा 2-3 लाख करोड़ तक का भी लोन आराम से दे सकता है। तो इसका फायदा क्या है कि जो हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको बड़ा लोन चाहिए होता है, वो आराम से हमारे देश के बैंकों से लोन है वो ले सकती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार बैंकों को जो और भी संस्थाएं हैं जिनको लोन चाहिए होता है और बैंक उनको लोन नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें बाहर से बोरिंग वगैरह कुछ करनी पड़ती है। तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट है वो होने वाले हैं। अब देखो, पहले तो हम जो न्यूज़ थी वो देख लेते हैं एक बार। न्यूज़ देखो ये थी कि 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको मर्ज है वो किया जा रहा है। अब देखो कौन कौन से बैंकों का नाम क्या है वो तो देखो इतना सब, ये तो बेसिकली जो बैंकिंग एग्जाम होती है उनमें पूछा जा सकता है। बाकी UPSC से नहीं पूछेगी कि पंजाब नेशनल बैंक है, ओरिएंटल बैंक है, यूनाइटेड बैंक को मर्ज करके इसका नाम क्या रखा जा रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बैंक है वो है SBI, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो 5 सहयोगी बैंक ब्रांचें थी, बैंक थी, उनको मर्ज करके SBI में मर्ज कर दिया था। तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है SBI। अब अगर इन बाकी जो 10 बैंकों को मर्ज करने की बात की जा रही है तो दूसरा बड़ा बैंक हो जाएगा PNB। मतलब PNB बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक का और यूनाइटेड बैंक को मर्ज है वो किया जा रहा है। इसके बाद में केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया जा रहा है, और इसी के साथ ही यहाँ पे यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को एक साथ मर्ज किया जा रहा है, और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI, और सेकेंड नंबर पर कौन सा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। बस ये एक दो आप फैक्ट ऐसे थोड़े ध्यान में रखना, बाकी ज़्यादा इतना डीपली UPSC नहीं पूछेगी कि कौन से बैंक के कितनी कैपिटल है, कितना उसका बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह है। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मर्ज कर दिया जाता है तो बैंक के जो टोटल बिजनेस है वो हो जाएगा लगभग 18 लाख करोड़ का। मतलब बैंक क्या आप बोल सकते हो कि 18 लाख करोड़ की कैपेसिटी है वो हो जाती है, उसमें से फिर SLR CRR वगैरह वो कर पीट के जो भी लोन है वो पे कर सकते, मतलब लोन वगैरह दे सकते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में आपको पता है कि अभी मंदी का माहौल चल रहा है। बात ऐसी नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हालात ठीक नहीं है, क्योंकि एक साइड USA और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है वो चल रहा है, दूसरी साइड देखें तो जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। इसी के साथ ही जो आपको पता है कि हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, उसका भी काफ़ी बड़ा इश्यू चल रहा है USA के साथ, और सॉरी जो हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में क्या चल रहा है, UK का ब्रेक्जिट चल रहा है, इसी के साथ ही बाकी कंट्रीज को लेके भी वहाँ पे खिंचातान चल रही है। तो मतलब क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फिलहाल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मतलब मामला वो सही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, इसीलिए इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन पे जा रही है। अब देखो, अगर इकोनॉमी किसी भी देश की स्लो डाउन जाती है, नीचे जा रही होती है ना,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। अगर आपको पता है बैंक, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग मार्केट में खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर खर्च नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, लोग अगर कुछ भी सामान खरीदने रहे हैं इसका मतलब कंपनी है वो सामान कम बनाएगी। अब अगर देखो कंपनी सामान कम बनाएगी तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंपनी जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालेगी क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स उसे दे नहीं पाएगी। अब अगर वर्कर्स को बाहर निकालेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लोगों को बेरोजगार होते जाएंगे और वही साइकिल वो चलता रहेगा, इस तरह गोल गोल चक्कर घूमता रहेगा। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या है बैंकों को थोड़ा पावर देती है, बैंकों को मजबूत करती है कि भाई जो लोग हैं या जो भी इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं वो क्या करें, बैंकों से सस्ता लोन लेके इन्वेस्ट करें ताकि मार्केट में थोड़ी तेजी है वो आ सकें। लोगों को कुछ ना कुछ हाथ में पैसा होना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा कैसा होगा, ऐसे तो नहीं कि गवर्नमेंट लोगों को फ्री में देगी, कुछ ना कुछ मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ानी है। परचेजिंग पावर बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि उनकी सैलरी वगैरह है वो बढ़े, इसके साथ ही मार्केट में थोड़ी तेजी है वो लाई जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट है वो डिफरेंट सारे मनरेगा जैसे प्रोग्राम चलाती है या और भी प्रोग्राम चलाती है जिनके थ्रू लोगों के पास है ना मतलब इनडायरेक्टली मेथड से पैसा भेजा जाता है और फिर लोग मार्केट में वही सामान वामान खरीदते हैं तो वो साइकिल चलता है और इससे मार्केट बूम पे आता है और कंपनियों को भी प्रॉफिट होता है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट बैंकों को मर्ज करी ताकि बैंक बड़े हो जाएं। अगर बैंक बड़ा हो जाएगा इसका मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ढंग से काम कर सकता है और इंडिया के अंदर भी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको आराम से लोन दे सकते हैं। अब आप ऐसे देखिए, एक तो ये पीएनबी बैंक है, एक ओरिएंटल बैंक है, इन दो का एग्जाम्पल ले लो एक बार। पीएनबी बैंक है वो अपना अलग प्रचार कर रहे हैं, ओरिएंटल बैंक है वो अपना अलग प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों का खर्चा ज़्यादा आएगा। अगर दोनों बैंक मिलकर प्रचार करेंगे तो उनको जहाँ पे ब्रांच होगी वहाँ पे एक ही जगह प्रचार करना पड़ेगा, अलग अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में पीएनबी का भी बैंक है भी और ओरिएंटल बैंक का भी बैंक है, ओरिएंटल बैंक का अगर दोनों अपना प्रचार करेंगे तो दोनों को अपने अलग से वर्कर रखने पड़ेंगे। और वहीं अगर दोनों बैंक मर्ज हो गए तो क्या होगा, राजेंद्र नगर में केवल एक ही आदमी है वो प्रचार कर लेगा तो ऑब्वियसली बैंक का खर्चा तो कम होगा ना। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर बैंक को वो मर्ज कर दिया जाता है तो उनकी जो लागत होती है, खर्चे वगैरह हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे का। हाँ देखो, टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बचेंगे। फायदा क्या होगा, एक तो उससे क्रेडिट कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और ग्लोबल जो कंप्यूटर एज है वो भी बढ़ेगा, मतलब ग्लोबल लेवल पे हमारे बैंक है वो भी कहीं ना कहीं आगे आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कैपिटल बढ़ेगी, जो कैपिटल बढ़ेगी और बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इससे लोगों को इजीली मार्केट में एक्सेस मिलेगी और जो बड़े लोन अमाउंट है वो कॉरपोरेट घराने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवहुड प्रोजेक्ट को लेके, NERLP। देखो नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवहुड प्रोजेक्ट है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी डोनियर के नाम से, जिसे हम जानते हैं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लाया गया था 2012 में। इस प्रोजेक्ट का मोटो ये था कि नॉर्थ ईस्ट के बेसिकली उस टाइम पे चार स्टेट थे, मतलब चार स्टेट को काउंट किया गया था, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इन जो ये स्टेट हैं इन स्टेट के अंदर रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट लग जाएंगे, यानी कि जो रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया के अंदर आजीविका को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लग जाएंगे, उनको छोटी मोटी स्किल्स दी जाएंगी, उनको रोजगार के लिए बताया जाएगा, उनकी हैंडीक्राफ्ट आइटम किस तरीके से बनाने हैं, मतलब उनको ये बताया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा कि भाई आप किस तरीके से अपनी आजीविका है इसको आगे बूस्ट कर सकते हो, क्या क्या आपको अफोर्ड करने चाहिए, जो भी स्किल की जरूरत है उनको, जो भी नॉलेज की जरूरत है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड है वो कर रही थी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। और हाँ ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट है वो किया गया था, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंडिंग है वो दी थी। अब फायदा क्या होगा इससे, इससे लोगों को स्किल मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलेगा, लोगों की लाइवहुड आजीविका है वो बढ़ेगी, इसी के साथ ही और भी जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लोगों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप, लोग आपस में मिलकर काम करेंगे जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश का वो आगे बढ़ेगा, और इसी के साथ ही लाइवहुड एंड जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है वो होगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लोगों की में भावना बढ़ेगी और ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट होगा जिससे हमारे देश की भी तरक्की होगी। तो ये था नॉर्थ ईस्ट रूरल डेवलपमेंट रूरल लाइवहुड प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर कॉर्बोरेट टाइगर रिजर्व। देखो तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, प्रधानमंत्री ने वहाँ पे विजिट की थी तो काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है।
भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बात ऐसी है कि जो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, इसके अंतर्गत सिक्योरिटी की पहले दो लेयर थी। एक लेयर तो ये काम करती थी, जैसे ये समझो कि ये यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व का जस्ट जो मतलब आप बोल सकते हो क्लोज वाला एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे एक इनर रेंज वाली फोर्स काम करती थी, जो क्या है कि डेली पेट्रोलिंग करती थी, मतलब करती है क्या अभी भी है, जो डेली पेट्रोलिंग करती है और ये ध्यान रखते कि भाई कोई भी जो अनऑथोराइज पर्सन है वो अंदर एंट्री ना करके और टाइगर वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ ही एक लेयर और होती थी बाद में आउटर साइड, वहां पे क्या होता था, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड का यूज किया जाता था, जैसे कि गांव के कुछ लोग थे जासूस टाइप में काम करते थे, वो कोई भी न्यूज़ दे देते कि भाई शिकारी जा रहा है, इस तरीके से और भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती थी। मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को या बोल सकते हो कि अधिकारियों को अलर्ट किया जाता था कि हाँ भाई ऐसी लोग हैं, वो जासूसी के थ्रू बताते थे गवर्नमेंट को कि अब यहाँ पे मतलब स्मगलिंग की जा सकती है, टाइगर की पोचिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन। तो ये दो लेयर यहाँ पे सिक्योरिटी के काम करती थी। अभी कंटेक्स्ट यह है कि एक स्पेशल टाइगर फोर्स भी बनाई है, जो कि क्या है बीच में काम करेगी इन दोनों के, मतलब तीन लेयर की प्रोटेक्शन दी जाएगी अपने जो ये टाइगर जो है इनको। जो स्पेशल टाइगर फोर्स है वो क्या करेगी यहाँ पे, स्पेशल टाइगर फोर्स का काम यह है कि यह इसमें क्या है लगभग 85 पोस्ट डेवलप की गई हैं, तो वो क्या है टाइम टू टाइम अलग अलग एरियो पे जाके चेक करेंगी कि भाई वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं हो रही है, किसी को स्मगलिंग को लेके कोई मतलब शिकार वगैरह के लिए कोई आदमी अंदर गलती से घुस तो नहीं गया है, ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी जाएंगी। तो ये यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हो कि 3 टायर प्रोटेक्शन है टाइगर रिजर्व के लिए, वो लाया गया है। और कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में क्या होता है कि इनर रेंज में जो डेली फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। इसके बाद में मिडिल वाली लेयर आ गई, वहाँ पे क्या होगा स्पेशल टाइगर फोर्स काम करेगी जो भी अपॉइंट की गई है। और लास्ट में होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी वहाँ पे इंटेलिजेंस के थ्रू जासूसी वगैरह के थ्रू पता लगाया जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पेशल टाइगर फोर्स का काम क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, या इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये, इसको हम अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट देखो ये है कि स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, यह है कंटेक्स्ट यहाँ पे, स्कॉच गवर्नेंस गुड अवार्ड, ये ध्यान रखना, सॉरी गोल्ड अवार्ड। अब बात ऐसी है किस लिए दिया गया है, क्या ऐसा काम किया है वो हम सब देखते हैं। देखो वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था ना, DAYNLM, ये क्या था, इसमें एक पैसा पोर्टल बनाया गया था। आपको ध्यान हो तो पैसा का मतलब था पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, आपको दिखा देता हूँ एक बार इसमें, ये रहा गवर्नमेंट ने एक पैसा पोर्टल बनाया था। पैसे का काम फुल फॉर्म क्या थी, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ये बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा एक पोर्टल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात क्या थी, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले देखो ये होता था कि अगर गांव में या आप बोल सकते हो कि रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में कोई भी आदमी बैंकों से लोन लेता था तो उसका पैसा अकाउंट में नहीं आता था डायरेक्टली, उसको चेक दे दिया जाता था और फिर वो चेक वो आदमी है वो बैंक में जाता था, उसको डिपॉजिट करवाता था, फिर वो पैसा आता था। अब क्या कर दिया पैसा पोर्टल में कि भाई साहब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा और आप उसको ट्रैक कर सकते हो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ आप उसको यूज कर रहे हो, कितना पैसा आया है वगैरह, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी उसके बारे में। यानी एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पे जो लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके तहत जो भी लोन लेंगे वो लोन की सारी डिटेल पैसा पोर्टल पे होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लोन लेंगे बैंकों से, उनको जो भी फैसिलिटी है लोन संबंधी जो भी पैसा है सारी डिटेल्स हैं वो इस पैसा पोर्टल पे मिल जाएंगी। उनको इंटरेस्ट में छूट भी मिलती है, काफ़ी सारी उनको बेनिफिट मिलते हैं, तो सारी डिटेल इस पर रहेंगी, वो पैसे को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पैसे की चोरी वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकती। मोटो इसका ये था पैसा पोर्टल का कि जो बेनिफिशियरीज मतलब जिन लाभार्थी हैं वो डायरेक्टली बैंक का जो डिलीवरी सिस्टम है इसके साथ कनेक्ट हो सकें, बीच में थर्ड पार्टी का रोल ही ना हो ताकि गफलेबाजी ना हो सके, लोगों को डायरेक्टली अपना लोन का पैसा मिल सके।
ये ध्यान रखना कि इस पैसा पोर्टल के लिए जो नोडल बैंक था या जो मेन बैंक था वो था इलाहाबाद बैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस स्कीम में जो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी, अभी आपको पता है कि हमारे देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैं, तो सभी को इसमें शामिल है वो यहाँ पे किया गया है। सो 35 अभी स्टेट एंड यूटीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाला अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसके बाद में सारा मामला सेट है वो यहाँ पे हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद बैंक है वो खुद तो ऐसा है नहीं कि हर जगह अपनी ब्रांच खोलेगा, तो जगह जगह यहाँ पे जो ऑल रीजनल बैंक हैं या फिर जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे ध्यान है वो रखा जाएगा। तो ये था पैसा पोर्टल के बारे में। अब देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या थी, आपके दिमाग में आओगे भाई ये भी बहुत जरूरी है। दीनदयाल जो अंत्योदय योजना थी ना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की एक स्कीम थी। इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये थी ना दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका नाम था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वगैरह, ये बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो है रूरल एरिया के लिए और एक है शहरी एरिया के लिए, सॉरी एक है अर्बन, अर्बन का मतलब तो क्या है शहरी एरिया के लिए, और एक है रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया के लिए। तो जो शहरी एरिया वाली स्कीम है उसका नाम तो रखा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये है ना नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके दो पार्ट हैं, एक तो ग्रामीण एरिया के लिए और एक शहरी के लिए। शहरी वाला है उसका नाम है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये ग्रामीण कौशल योजना किसके लिए है, रूरल एरिया के लिए, ये आप ध्यान रखना है। तो जो ग्रामीण एरिया वाला जो कौशल अभियान है वो चलाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये आपको एक फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इसमें दो पार्ट हैं, ग्रामीण एरिया के लिए तो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाएगी, और इसी के साथ ही शहरी एरिया के लिए है दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसको चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके दो पार्ट हैं। काम क्या है इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का मतलब ये है कि हमारे देश के जो लोग गरीबी रेखा पर जी रहे हैं, मतलब जिनके पास खाने पीने का डेली कुछ नहीं है, उनकी आजीविका काफ़ी खतरे में चल रही है, उन लोगों की आजीविका को संवारा जाए उनके लिए गवर्नमेंट उनको लोन भी प्रोवाइड करा जाती है। उसमें बहुत सस्ती रेट पे लोन मिलता है, ब्याज वगैरह बहुत कम होता है और उसमें छूट भी मिलती है अगर वो टाइम टू टाइम लोन वगैरह चुकाते हैं। और भी उनको तरह की फैसिलिटी दी गई है, ग्रांट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि जैसे तैसे वो अपनी स्किल पाके और अपनी आजीविका को सुनिश्चित या सिक्योर कर सकें। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया पैसा पोर्टल के बारे में, मैंने आपको बता दिया एक प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है, एंड टू एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन, मतलब कस्टमर टू डायरेक्टली बैंक को कनेक्ट किया जाएगा, पेमेंट प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सारे काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। और जो नोडल बैंक है वो है यहाँ पे इलाहाबाद बैंक। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके दो पार्ट हमने देख लिए, यानी कि नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के दो पार्ट हैं, एक तो शहरी एरिया के लिए एक ग्रामीण के लिए। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़ जो हमने यहाँ पे कवर है वो कर ली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है एक स्कल को लेके। अभी देखो 3.8 मिलियन ईयर ओल्ड एक स्कल या खोपड़ी है वो डिस्कवर की गई है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है MRDVP 1.1। तो ये आपको 1/1। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे डिस्कवर की गई है, ये बेसिकली इथोपिया। अब आप ये बताइए कि इथोपिया की लोकेशन कहाँ पे है, और आप ये भी बताइए कि इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। आप दोनों चीज़ बताओगे कि इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है वो आप तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। अब देखो ये 3.8 मिलियन ईयर पुरानी जो खोपड़ी डिस्कवर की गई है, इसका ये माना जा रहा है कि ये बेसिकली ऑस्ट्रोलोपिथिक सोमेडिसिस जो प्रजाति थी मानव की उससे बिलोंग करती है। देखो आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कहीं कि अभी जो मानव है वो बेसिकली होमोसेपियन क्लास का है, होमोसेपियन जो कि काफ़ी समझदार होते हैं, जो कि जिसमें अब हम शामिल हैं वो होते हैं। तो अभी इंसान की कौन सी जो प्रजाति वो है होमोसेपियंस, जो सबसे पुरानी इंसान की प्रजाति मानी जाती है। देखो पहले ऐसा कहा जाता है, आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज या जो स्टार्टिंग में थे वो बंदर की प्रजाति के थे, बाद में धीरे धीरे वो होमोसेपियंस की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। तो जो बंदर से इंसान बनने की जो क्लास थी आप बोल सकते हो या फिर जो सीरीज थी ना, उसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एनोमिक्सिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उस प्रजाति में क्या होता था कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर था ना वो तो बंदर जैसा ही होता था, बट आदमी दो पैरों से चलता था और उसके सोचने समझने की कैपेसिटी है वो बिल्डअप होने लग गई थी। उम्मीद की जाती है कि ये जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो एनोमिसिस जो टाइम था या जो ये स्पेसिस थी आप बोल सकते हो कि ये प्रजाति जो थी वो बेसिकली
डेट से 4 मिलियन ईयर्स पुरानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उम्मीद की जा रही है कि जो अभी खोपड़िया जो स्कल डिस्कवर की गई है इथोपिया में, वो 3.8 मिलियन ईयर ओल्ड पुरानी है। तो ये आपको दो चार चीजें यहाँ पे फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ हमने पैसा पोर्टल है उसको डिस्कवर कर लिया, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक को रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। देखो दो चार न्यूज़ हैं वो रह गई हैं, तो उनको हम कल है वो कवर कर लेंगे। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।